दोस्तों, एस्ट्रो बाजार से मनोज शांडले का नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज कई दिनों के बाद बातचीत हो रही है। पिछले कुछ दिन बातचीत नहीं कर पाए थे हम, और हम जो टॉपिक्स कवर कर रहे थे आज फिर से वहीं से शुरू करते हैं, वहीं से उठाते हैंगे। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने जैसे पिछले कुछ वीडियोस में हम बात कर रहे हैंगे एस्ट्रोलॉजी पर एक कोर्स लॉन्च करने की, तो पिछले दिनों हम उसमें भी काफ़ी बिजी रहे और हमने वो कोर्स लॉन्च कर दिया हैगा। आप में से जो भी वो कोर्स करना चाहता हैगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर जाएं। हमारे फॉर्म, एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आप अपने डिटेल भरें और हमारे टीम का आपके पास फ़ोन आ जाएगा और आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स बताएंगे। आप में से जो भी लोग वो कोर्स करना चाहते हैं वो लोग वो कोर्स कर सकते हैंगे। सेकंड, हमारा एक प्रमोशन ऑफर चल रहा था जो पहले दिवाली तक चल रहा था, उसके बाद हमने उसे कंटिन्यू कर दिया। उसमें भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन आप फ्री पूछना चाहते हैंगे तो हमसे पूछ सकते हैं। सेम, आप लिंक पर जाएँ, एक फॉर्म हो आएगा, उस फॉर्म में अपनी डिटेल भर दें और डिटेल वो हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आप का अपॉइंटमेंट मेरे साथ फिक्स हो जाएगा। और जो भी एक क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहते हैं, वो किसी भी बारे में, चाहे वो स्टोन के बारे में का, चाहे वो कोई सेकेंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, चाहे कैरियर के बारे में है, जॉब के बारे में है, रिलेशनशिप के बारे में है, किसी भी बारे में कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं। चाहे वो वास्तु या न्यूमरोलॉजी के बारे में आप वो भी चाहे तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैंगे। तो कोई भी एक क्वेश्चन का जवाब, उसके हमारे कोई भी चार्जेस नहीं आएंगे। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारे पास इतने ज़्यादा कॉल्स थे, इतना ज़्यादा बैकअप हो गया था कि हम कवर अप नहीं कर पा रहे थे। तो ये दो तीन चार दिन जो हम नहीं आपस में बातचीत कर पाए, इसके अंदर हमने पीछे काफ़ी सारा कुछ कवर अप किया और सिंपल जो है अब हम आगे बढ़ते हैंगे। आज का हमारा टॉपिक, पिछली बार हमने बात की थी बी ए शार्प शूटर, और उसके बाद हम सेकंड हमारा जो टॉपिक था यूज़ योर इमेजिनेशन पावर, आपकी इमेजिनेशन पावर, विजुलाइजेशन पावर को कैसे यूज़ करना हैगा। तो सिंपल आज हम उसी पे बात करेंगे कि हमारे विजुलाइजेशन पावर पे हमें किस तरीके से पकड़ लेनी है। दोस्तों, हम लोग लाइफ में बहुत मेहनत करते हैंगे और कई बार होता है जिस हिसाब से हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से हम जो सक्सेस डिजर्व करते हैं वो सक्सेस हमारे को मिल नहीं पाती, और अगर वो सक्सेस हमारे को नहीं मिल पाती हैगी तो हम कई बार हताश भी हो जाते हैंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग एंगल लेते हैं कि हमारे को अपनी इमेजिनेशन पावर को किस तरीके से यूज़ करना है ताकि हम वो सक्सेस को अचीव करें जो हम डिज़र्व करते हैं, एक्चुअल में डिज़र्व करते हैंगे, जो फिजिकल प्रेजेंस से नहीं पॉसिबल हो पा रही। अगर कोई चीज़ फिजिकल प्रेजेंस से नहीं पॉसिबल हो पा रही तो उसको दूसरे कैसे तरीके से लेना है। अगर एक प्लान काम नहीं कर रहा तो दूसरा प्लान कैसे काम करेगा, आज हम यही सीखेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास 24 घंटे होते हैं हर रोज़, 24 आवर्स। अब ये 24 घंटे के अंदर जो है, हम अगर 15-15 मिनट के स्लॉट लगाएं तो एक मिनट के अंदर, एक घंटे के अंदर लगभग 4 स्लॉट बनते हैं 15 मिनट्स के। 60 मिनट का एक घंटा होता है का, एक आवर होता है का, उसके अंदर 15 मिनट्स के 4 स्लॉट हो गए। अगर हम 24 घंटे में लगाते हैं तो 96 स्लॉट्स आते हैंगे, यानी कि 96 स्लॉट्स एक दिन के अंदर हमारे पास होते हैं 15 मिनट्स के। दोस्तों, इन 96 में से एक स्लॉट को आपने सेलेक्ट करना है, अपने लिए चुनना है एक स्लॉट। आपको अपने तरीके से उस स्लॉट को खर्च करना है, यानी कि 15 मिनट दिन के आपको अपने तरीके से खर्च करना है अपनी इमेजिनेशन पावर के अंदर, अपनी ग्रोथ के अंदर। जो चीज़ फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पा रही है, उस चीज़ को मेंटली किस तरीके से हम हकीकत का रूप दें उसके लिए। अब ये चाहे आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे ले लें, सुबह के 9 बजे ले लें, 12 बजे ले लें, 3 बजे ले लें, 5 बजे ले लें, रात को 10 बजे ले लें, रात को 12 बजे ले लें, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। 15 मिनट्स का एक स्लॉट चाहिए आउट ऑफ 96 अपने फ्यूचर के लिए। अब इस एक स्लॉट के अंदर हमारे को क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले तो यह है कि ये स्लॉट एक 15 मिनट का निकालना है। आप में से कई लोग कहेंगे कि हम 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते, तो ये सोचने की बात है। अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए ये 15 मिनट, आपको हो सकता है लगे कि इनिशियली ये 15 मिनट वेस्ट है, मगर ये वेस्ट नहीं आएंगे,
ये आगे चलकर आपको समझ में आएगी जब इसकी एनर्जी बिल्ड हो जाएगी। एक बार में इसकी एनर्जी बिल्ड नहीं होगी, दो बारी में नहीं होगी, चार बार में नहीं होगी, कंटिन्यू करना पड़ेगा। जिस तरह कोई कील दीवार में ठोकनी होती है, तो जब हम कील को दीवार पर लगाते हैं तो एक हथौड़ा मारने से काम नहीं होता, दो हथौड़ा मारने से काम नहीं होता, हथौड़ों को कई बार मारना पड़ता है। और जब एक बार कील फिक्स हो जाती है तो फिर उसे निकाल भी नहीं सकते वापस। सेम चीज़ यहाँ पे आएगा। विजुलाइजेशन पावर भी इसी तरीके से काम करती है, एक बार में काम नहीं करती, वो एनर्जी को आपको बिल्ड करना पड़ेगा लगातार कंटिन्यू। जब आप कंटिन्यू उस एनर्जी को बिल्ड करते रहेंगे तो कुछ समय के बाद वो इतने सॉलिड हो जाएगी कि आप अपने दिमाग से निकालना चाहेंगे तो भी नहीं निकलेगी। स्मोकिंग की हैबिट, ड्रिंकिंग की हैबिट, ये सब इसी का रूप होंगे। शुरुआत एक थॉट से होती है कि फिर होता कभी कभी, और करते करते ही आगे चलकर हैबिट बन जाती है कि सिंपल। अब हमारे को यहाँ पर अपनी सक्सेस के लिए अपनी विजुअलाइजेशन पावर को यूज़ करना है। किस तरीके से यूज़ करेंगे? सिंपल, जब आप बैठें तो जो आप बनना चाहते हैं या जो आप करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट होने के बाद, वैसा बनने के बाद, वैसा करने के बाद जो आप करेंगे उसे इमेजिन करना है। सपोज आपकी इनकम 12,000 रुपये है, एक एग्जांपल मान लेते हैं, 12,000 रुपीज़ आपको सैलरी मिलती है, फॉर एन एग्जांपल। अब आप कहें कि 1,00,000 रुपये हो जाएगी, तो ये आपका दिमाग मानेगा भी नहीं, और इसको विजुलाइजेशन करोगे तो बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाओगे, बिकॉज अभी तक आपका दिमाग यही कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, और इमीडिएट तो इम्पॉसिबल ही है। तो इमीडिएट अगर हम कहेंगे 12,000 की जगह 15,000 की इनकम हो जाएगी, 20,000 की इनकम हो जाएगी, जो आपको लगता है आप रियली में डिजर्व करते हैंगे, तो वो आपका दिमाग मान लेगा। नाउ यू थिंक के जब 15,000 या 20,000 मेरी इनकम हो जाएगी, तब मुझे कैसे, हाउ टू बिहेव, कैसे करना है, क्या करना है इस पैसों का, या एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो कैसे खर्च करूंगा। और तो आपको उस चीज़ में जाना है कि जब आपकी इनकम 20,000 हो गई है, तब आपको 12,000 से 20,000 हो गई है, तब आपको कैसे बिहेव करना है। सेम इन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के अंदर जब आप विजुलाइज करोगे तो विजुलाइजेशन में ये नहीं मांगोगे कि अगर ऐसा हो गया, ऐसा होने के बाद आप कैसे रहेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सपोज करो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए, आप कहीं घूमने जाओगे, तो विजुलाइज करो कि आप वहाँ पर घूमने जा रहे हो और आप वहाँ पर घूम फिर रहे हो, आप वहाँ पर काम वो कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। सेम इन बिजनेस, सपोज इन बिजनेस यू आर इन लॉसेस और आपके पास लोन है, तो जब आपके पास कर्जे नहीं रहेंगे, जब आप लोन फ्री हो जाएंगे, या जब आप का बिजनेस बहुत अच्छा रन करने लगा, यू आर बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल होंगे बैंक बैलेंस होगा, देन हाउ टू बिहेव, तब कैसे रहेंगे, उस मोमेंट को आज अपनी इमेजिनेशन के अंदर जीना शुरू करना है। बिकॉज जो माइंड है वो बॉडी की तरह काम नहीं करता, फिजिकल बॉडी की एक अपनी पावर होती है कि उसकी पहुंच वहीं तक है जहां पर वो फिजिकल बॉडी हमारी है, लेकिन माइंड की कोई पावर नहीं है। माइंड मैग्नेट की तरह काम करता है, वो कहीं पे भी यूनिवर्स से कुछ भी कलेक्ट कर सकता है आपके लिए, इट्स लाइक अ मैग्नेट, चुंबक की तरह होता है, कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। सेम जैसे कई बार आपने देखा होगा जो ये आपके वेस्ट मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं, वेस्ट आयरन कलेक्ट करते हैंगे, ये लोग क्या करते हैं, ये एक लोग एक लंबी रॉड के ऊपर जो है आगे एक मैग्नेट लगा देते हैंगे, एक लंबी रॉड के ऊपर मैग्नेट लगा देते हैं और उस मैग्नेट को मूव करते रहते हैं, तो जहाँ कहीं पर भी आयरन होता है वो उस मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाता है। सेम हमारे को अपने माइंड के साथ करना है। जब हम विजुलाइजेशन पावर के अंदर जाते हैं तो विजुलाइजेशन में वी शुड लिव लाइक दैट, जैसे हम चाहते हैं, जो हमारे को है, जो हमारे को चाहिए है, जो वो अवेलेबल हो गया, वो हमने अचीव कर लिया है, वो हमारे को मिल चुका है, और उसके हिसाब से हमारे को हाउ टू बिहेव, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, जो भी मर्जी एक्स वाई जेड हैगा, और आपका माइंड लाइक अ मैग्नेट यूनिवर्स से वो सब चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। सिर्फ आपके माइंड को ये बिलीव होना चाहिए कि पॉसिबल है। अगर आप आज 12,000 कमाते हैं और आप 2,00,000 की सोच रहे हैं तो शायद माइंड एक्सेप्ट ना कर पाए, लेकिन 12,000 कमाते 15,000-20,000 एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, अगर आपने बिजनेसमैन है या कोई चीज़ है, आप बड़ा स्टॉक लेना चाहते हैं, बड़ा हिट करना चाहते हैं और आपने पहले भी किए हैं, तो इट्स पॉसिबल, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी कर सकते हैं आप,
दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट सिंपल सी चीज़ है कि आपका माइंड कैसे काम करता है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको नहीं पता तो स्टार्ट टू डू इट, बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा कुछ, तो वैसे कौन सा हो रहेगा, वैसे भी तो कुछ नहीं हो रहा। अगर अभी नहीं हुआ, ये काम करने से नहीं हो रहा, तो कौन सा फ़र्क पड़ गया, कौन से पैसे लग गए। आपको एक सिंपल सी एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक दो फ्रेंड बैठे होते हैं और एक फ्रेंड अपने दूसरे को कहता है कि इमेजिन कर तू एक जंगल में जा रहा है। तो कहता है ठीक है, इमेजिन कर लिया। अब जंगल में जा रहा है तो अंधेरा हो गया जी, ठीक है इमेजिन कर लिया, अंधेरा हो गया तो तू एक कुएं में गिर गया। कहता जी ठीक है गा, इमेजिन कर लिया। तो कहता है कुएं में आग भी लग गई। कहता जी ठीक है, इमेजिन कर लिया। कहता है अब तू बाहर कैसे, अब तू अपने आप को कैसे बचाएगा। तो कहता है मैं कोई रस्सी ढूंढूंगा, रस्सी पकड़ के बाहर निकल आऊंगा। तो कहता मान ले वहाँ कोई रस्सी ना हो, मैं कोई ऐसे स्टोन्स देखूंगा जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रखकर बाहर निकल आ सकता हूँ। तो कहता है वो भी अवेलेबल ना हो, कि मैं कोई और तरीका देखूंगा कि जिस तरीके से कहीं से कोई बीच में कुछ ईंटें टूटी हुई हों, मैं उसको पकड़ के बाहर निकल आऊँ। तो कहता वो भी तरीका ना हो। तो कहता अगर कोई भी तरीका नहीं बचेगा तो मैं इमेजिन करना बंद कर दूंगा। इमेजिन ही तो कर रहे हो, तो स्टार्ट टू डू इट। हो सकता है ये तरीका काम कर जाए, और अगर ये तरीका काम कर गया तो फिर तो जिंदगी में कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इसको सही तरीके से करना जरूरी है का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सही तरीके से करना सीख गए तो जिंदगी के अंदर कुछ भी अचीव करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। फिर तो आप जितना आज सोच रहे हो उससे कई 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 गुना आगे तक जा सकते हो। तो स्टार्ट अगर छोटे से भी इमेजिनेशन से करते हो एंड सही ढंग से करते हो, 96 स्लॉट में एक स्लॉट अपने लिए बुक कर लेते हो, अपनी लाइफ के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए बुक कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है। यू शुड डू इट। सिंपल सी चीज है, जस्ट इमेजिन, विजुलाइज करो कि वो अचीव होने के बाद मैं इस तरीके से बिहेव करूंगा, वो अचीव होने के बाद मैं इस तरीके से काम करूंगा, एंड जस्ट रिजल्ट्स अमेजिंग है। बहुत से लोगों ने बहुत चीज़ें ऐसे ही अचीव की होंगी। सक्सेसफुल लोगों को ये फार्मूला पता आएगा, और चाहे वो फार्मूले को समझ के करते हैं या अनजाने में भी ये काम करते हैं, लेकिन अगर अनजाने में भी ये काम करते हैं तो भी फार्मूला तो फार्मूला है, वो तो काम करेगा ही सही, चाहे आपको ये पता है या नहीं पता कि ये एक फार्मूला है। तो सिंपल, स्टार्ट टू डू इट। आप इसको करना शुरू करिए, एक स्लॉट 96 में अपने लिए निकालिए, और आप देखिए कि आने वाले टाइम के अंदर आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जो आप चाहें वो हासिल कर सकते हैं। तो अपनी इमेजिनेशन पावर को, यूनिवर्स की एक ये बहुत बड़ी पावर है, इट्स अ मैग्नेट, ये ब्रह्मांड से कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है आपके लिए। स्टार्ट टू डू इट। पहले हमने कहा था बी ए शार्प शूटर, एक शार्प शूटर बनिए, अपने टारगेट अपने गोल को बिल्कुल फिक्स करिए। उससे पहले हमने कहा था चेंज योर रिएक्शन फॉर्मेट, अपने फॉर्मेट को चेंज कर दीजिए, रिएक्शन सेम रिएक्शन पूरी लाइफ लॉन्ग। वाई, एक ही फैशन पूरी जिंदगी करते हैं क्या? जैसे फैशन चेंज होता है अपना स्टाइल चेंज कर देते हैं, तो जब वो कर सकते हैं तो वाई नॉट बिहेवियर, वाई नॉट एटीट्यूड। आज जो रिक्वायर्ड है उस तरीके का एटीट्यूड अपनाते हैं, आज जिस जो रिक्वायर्ड है उस तरीके का बिहेवियर अपनाते हैं, आज जो हमारी रिक्वायरमेंट है। और बी ए शार्प शूटर, एक चीज फिक्स कर ली तो शार्प शूटर होता है, वो कितनी भी दूर से निशाना लगाए चलती चीज पर निशाना लगाएगा, टिच जाके लगेगा। सेम सर्कमस्टांसेस कभी भी अपने अनुकूल नहीं होंगी और एक जैसी नहीं रहेंगी, लाइफ में डेली कुछ ना कुछ चेंज होगा, और हमें शार्प शूटर की तरह होना है कि चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, चेंजेस की स्पीड को लेते हुए हिट करना है। और तीसरी चीज, इमेजिनेशन पावर को यूज करें। इमेजिनेशन पावर इज द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। इसी ने सब कुछ हासिल किया आज तक, जो कुछ भी हासिल किया है, आप इसको यूज करें और जिंदगी के अंदर बहुत कामयाब होंगे। तो दोस्तों, कल के सेशन के अंदर हम अगला टॉपिक उठाएंगे इसका। आज के लिए हम इतनी ही बात करेंगे, और मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, और ये कोर्स हर एक के लिए है, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो वर्किंग लेडी हैं, चाहे वो जॉब कोई कर रहे हैं वो हैं, चाहे वो कोई प्रोफेशनल हैं, चाहे
कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, किसी के लिए भी ये कोर्स सबके लिए आएगा। सिंपल एस्ट्रोलॉजी को हमने इतना सिंपलिसिटी में कर दिया है कि इसको हर कोई समझ सकता है। और ये ज़रूरी भी इसलिए है कि हम लोग कई बार होता है बहुत मेहनत कर रहे होते हैंगे, और बहुत कई लोग हैं, कई बच्चे हैंगे मैंने देखा है कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कंपटीशन क्लियर करने में, लेकिन 2 मार्क्स 4 मार्क्स थोड़े से डिस्टेंस से रह जाते हैंगे, और एक एक बार नहीं कई कई बार रह जाते हैं। जबकि वो लोग मेरे से ये बात करते हैं कि हमारे से जो मतलब हमारे जितने पढ़े लिखे नहीं हैं या एजुकेटेड नहीं है वो क्लियर कर गए, लेकिन हमारा क्लियर नहीं हुआ। सब कुछ तैयारी हम पूरी करते हैं लेकिन फिर भी कहीं 2 मार्क्स 4 मार्क्स से रह जाते हैं। वो सिंपल सी चीज़ है, आपके प्लैनेट्स, आपके प्लैनेट्स अगर मारक ग्रह के अंदर हैं, अगर आपके प्लैनेट्स मारक ग्रह के अंदर हैं तो आपके कॉम्पिटिशन्स गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, कॉम्पिटिशन्स क्लियर करना मुश्किल काम है। सो कम टू नो, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आपके सूर्यदेव गुरुदेव स्ट्रांग होने ज़रूरी हैंगे, लक पोर्शन आपका साथ देना ज़रूरी हैगा। खाली फिजिकल एक्टिविटी से काम नहीं चलेगा, तो लक पोर्शन हमारा कहाँ पे आएगा उसके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी। और ये बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, अपने लिए सीखना तो बहुत सिंपल है, और अगर आप अपने लिए सीख गए तो अपने परिवार के लिए भी सीख सकते हो कि लक फैक्टर किसका कहाँ पे है, किस फील्ड में कौन कहना चाहता है। अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो क्यों नहीं अच्छे, और क्या करने से ये अच्छे हो जाएंगे, खाली फिजिकल नहीं। तो ये सिंप्लिसिटी में एस्ट्रोलॉजी, चाहे वो हाउसवाइफ है तो घर के लिए सबके लिए सीख सकते हैं, वर्किंग लेडी है तो अपनी ग्रोथ और सबके लिए सीख सकते हैं, बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, स्टूडेंट है तो वो किस फील्ड में जाऊं, कौन सा है ऐसी फील्ड है जो लक जहां भाग्य मेरा साथ देगा, जहां के भाग्येश मेरे जहां पर बैठे हुए हैं जिस फील्ड के अंदर बैठे हुए होंगे तो वो मेरा साथ देंगे, तो उस फील्ड के अंदर जाऊं कौन सी चीज़ सेलेक्ट करूं। तो ये बहुत सी चीज़ें सबके लिए होंगे, हर एक के लिए आएगा। जॉब में है तो किस नेचर की जॉब करूँ, कहाँ पर प्रमोशन होगी, किस तरीके से प्रमोशन होगी उसके लिए। तो आपको अगर इन चीज़ों का, इन प्लैनेट्स के बारे में मालूम है और ये प्लैनेट्स आपके मारक हैं या योग कारक हैं, आपके साथ दे रहे हैं या आपकी चीज़ों में रुकावट डाल रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद भी कर्ज ही नहीं भी नहीं निकाल पाते, द रीज़न कि लक फैक्टर साथ में नहीं दे रहा। बृहस्पति देवी मारक जगह पे बैठे हुए होंगे, कर्जे और चढ़ रहे होंगे, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कर्जे चढ़ते जा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये लक फैक्टर ज़रूर काम करता है। तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए, ये सिंपल 7 लेक्चर्स का एक कोर्स हैगा और बहुत सिंपलिसिटी में हमने हर एक के लिए बनाया हैगा। आप इसको, अगर मेरी हाईली रिकमेंडेशन है, आप इसको सीखिए, आप इसे सीखेंगे तो आप मतलब ये समझ लो आप अपनी लाइफ को रीप्रोग्राम करेंगे, और दोस्तों ये आपके लिए ज़रूरी है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपका है तो भी आप हमारे लिंक पे या फ़ोन नंबर वहाँ पर दिए हुए हैं उस पे जाकर आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आप लिंक पर अपना क्वेश्चन छोड़ दें, कोई भी एक क्वेश्चन आप किसी भी रिगार्डिंग छोड़ेंगे तो हमारी आपसे बातचीत होगी, हम आपको मेरी पर्सनल आपसे बातचीत होगी, चाहे वो आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है आप उनसे पूछ सकते हैं, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन आपको दे सकूँ। तो दोस्तों आज आपसे बात करके, बहुत दिनों के बाद आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। आपका दोस्त मनोज शांडिल्य।